राज्यपाल और ये पर कंफ्यूजन दबाव समझ में बनाया आ जा रहा गया। है? क्या राज्यपाल पर दबाव बनाया जा रहा है? और जो ये दबाव की बात वो कह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये षड्यंत्र बीजेपी को दिख रहा है। उल्टी गंगा बह रही है राजस्थान में, ये कह रहे हैं गहलोत जी, पवन खेड़ा से। सुबह से शाम तक हर चैनल की सुर्खियां क्या है कि गहलोत सरकार संकट में। अंजना जी, मैं जानना चाहता हूं संकट क्या होता है। संकट एक चुनी हुई सरकार पे यही ना होता है कि उनकी संख्या बल कम हो गई। ये साबित कहां होगा? फेयरमाउंट होटल में। आप लोगों ने सही कुछ दिन बाद कही कि यहां थोड़ी साबित होगा, असेंबली में साबित होगा, राजभवन में लॉन में सारे दिख रहे हैं, यहां भी नहीं साबित होगा। बिल्कुल सही बात है, यहां भी नहीं साबित होगा। कहां साबित होगा? विधानसभा में ही ना साबित होगा। जब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कितना संकट है कितना नहीं है और किस पर संकट है, यह भी सामने आ जाएगी बात। मेरे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे कि पूरे विश्व में कहीं असेंबली पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा। आज पुडुचेरी का सेशन शुरू हुआ या नहीं मुझे बताइए आप? सोमवार को गोवा का सेशन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताइए आप? सुधांशु, 3 अगस्त को बिहार का सेशन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताइए आप? सुधांशु जी, अरे कैसी बातें करते हैं। जब आपको सूट करता है तो आप कुछ इतिहास भी बदल देते हैं, भूगोल भी बदल देते हैं, तथ्य भी बदल देते हैं, अखबार की सुर्खियां भी बदल देते हैं। कुछ तो कहीं तो रुकिए साहब। तीन तीन जगह का उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है। आज आज पुडुचेरी का पहला दिन है या नहीं है सत्र का मुझे बताइए। जब जब देवेगौड़ा साहब की मैंने बात कही थी, उस सरकार को समर्थन किसका था सुधांशु? कांग्रेस का समर्थन था, आपकी आपकी पार्टी का नहीं था। और जब वो संकट आया था, आपके रिपोर्टर अंजना जी बता रहे थे शरद जी की वहां धरने पर नहीं बैठे थे भैरव सिंह जी। भैरव सिंह जी ने बाकायदा राजनिवास का घेराव किया था, ना केवल विधायक बल्कि आम वर्कर भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उस घेराव में शामिल था। और उसमें बलिराम भगत जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया, संविधान की पालना करनी थी कर दी। और ना ही कोई कांग्रेस ने आग में घी डालने की चेष्टा की जैसे कि ये लोग करते हैं, ये कहते हैं तोते की जान। हम तो ये जानना चाहते हैं सुधांशु जी, आपके यहां इस पूरे मसले में तोता कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन पर पोंजी स्कीम का 884 करोड़ का घोटाला भी सामने आ गया, जिनकी आवाज टेप में सरेआम सुनाई दे रही है, उनको अपने विधायक, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक उनके खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में। आपका तोता कौन है राजस्थान में, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, एजेंसी तो आपकी तोता है, हम जानते हैं, सीबीआई नंबर एक, ईडी नंबर दो, इनकम टैक्स नंबर तीन, ये तीन तोते तो हम आपके पहचानते हैं। लेकिन ये सोने के पिंजरे में बैठा हुआ तोता कौन है जो कठपुतलियों की तरह राजस्थान की राजनीति में लोगों को नचा रहा? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।